फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। अभी मैं पटना जू के कैंपस के पास हूँ और देखिए कितना ठंडा है पटना में, पूरा कोहरा किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए उधर की ओर मैं दिखाऊंगा, इधर से पूरा दिल्ली रोड का ब्रिज है और इधर देखेंगे तो राजवंशी नगर है। हम लोग चलेंगे राजवंशी नगर पर, अभी चलेंगे और देखिए कितना ज़्यादा कोहरा किया हुआ है। और ये रहा पटना जू, ये पटना जू है, देखिए यहाँ पे। ये देखिए दोस्त, अब हम लोग यहाँ पे राजवंशी नगर के पास हैं। इधर जो फूल वगैरह मिलता है, और आपको चलिए दिखाते हैं इधर बजरंगबली का। लेकिन मंदिर तो लग रहा कि बंद हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ देखिए भगवान शिव का शिवलिंग लगा हुआ है। अब देखिए इधर की ओर मैं पुल की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, अब इस तरह का कोहरा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फूल का कितना बढ़िया नजारा लगा हुआ है, लाइटिंग कितना सुंदर किया। ये ब्रिज जो है विधानसभा की तरफ जाता है। ये लाइट कितना सुंदर दिया हुआ है, ये कितना कोहरा, घना कोहरा है। रात में निकले हैं क्लास के बाद थोड़ा सा ठंडा मौसम का मजा लेने के लिए, जो पटना में लग रहा है कि थोड़ा हल्का हल्का शिमला और कुल्लू मनाली का फीलिंग दे रहा है। अब चलते हैं इधर से, आपको इको पार्क की तरफ ले चलते हैं। इको पार्क वाले रोड से हम लोग घूमेंगे। मेरे साथ जो है सहयोगी, उनका मन हुआ कि नहीं थोड़ा इको पार्क की तरफ से चला जाए, तो इको पार्क की तरफ से ही लिया जाए। इधर देखिए आगे जाने के बाद आपका अन्य मार्ग वगैरह है, जिधर CM हाउस है। देखिए यहाँ से सचिवालय का घंटी घर जो है, हाँ अंग्रेज के ज़माने का है, वो देखिए दिख नहीं रहा, इतना घना घना कोहरा है। देखिए बीच में यहाँ पर हम लोग को कुछ दिखा कि कुछ बच्चा सब ना आग ताप रहा है। चलिए बच्चा लोग के साथ हम भी चलते हैं, आग तापते हैं थोड़ा सा। पूछते हैं बच्चा लोग से कैसा लग रहा है, बच्चे तुम लोग को ठंडा? ठंडा बहुत है बाबू, बहुत ठंडा है, आग ताप रहे हो, आई खाना भी बना रहे हो साथ में लग रहा है। कचरी मतलब बच गया था, छान के घर पर ले जाना है। अच्छा, कचरी का दुकान था, चलिए बहुत अच्छा। किनारे में आप लोग कचरी यहाँ बेचते हैं, चलिए ठीक है। कितना का रोज सेलिंग हो जाता है? 250 रुपया। रोज 250 रुपया का 300 का बेच देते हो, उससे अपना घर तुम्हारा तुम लोग का चल जाता है ना। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, अपना काम खुद से करते हो, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, थोड़ा हम लोग भी आग ताप लेते हैं, है ना, तो उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ठंडा किया हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। भाई साहब हमारा यहाँ पे मिले हैं, अभी पूछ रहे हैं भैया अपना चैनल का नाम बताइए। तो अपना चैनल का नाम तो वही है, ऑर्गेनिक भाई रवि सर, तो थोड़ा इनको अपना बता दिए। देखिए अभी सर्च करेंगे, जरा सर्च कीजिए। हाँ देखिए ये आ रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। हाँ ऑर्गेनिक भाई रवि सर बोलिए, ऑर्गेनिक बाय रवि सर। हाँ देखिए इनको ढूंढने के बाद देखिए मेरा मिल गया, सबसे पहला ही मैं आ गया है। हाँ देखिए भाई साहब सब्सक्राइब भी कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारा वीडियो ही देख रहे हैं। देखिए ठीक है, कैसा लगा, अच्छा लगा? अब ठीक है, एजुकेशन के मामले में तो अब ऑनलाइन ही सबको शिक्षित करना। मेरा वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा ना? जी बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आग तापने के बाद आपको और आगे चलिए सचिवालय वाला जो घंटा घर है वो भी दिखाई दे। जब निकले हुए हैं तो थोड़ा अच्छे से निकला जाए। देखिए आपको यहाँ से बहुत नजदीक लेकर जाएंगे, अंदर तो जाने नहीं देगा, जरा कोशिश करेंगे अंदर जाने का। ले चलिए अंदर थोड़ा, हाँ ले चलिए। कुछ घंटा घर है, ये अंग्रेज के समय का बनाया हुआ है कि नहीं?
यहाँ पे देखिए कुछ सिपाही जी लोग हैं। चलिए अब हम लोग घर के तरफ लौटते हैं। ये रहा देखिए इको पार्क, बहुत लोग इको पार्क को आते ही हैं। ये जो अंडरग्राउंड है, एक पार्क को दूसरे पार्क से जोड़ने के लिए बैरिकेडिंग किया हुआ था यहाँ पे। चलिए आपको इको पार्क का मेन गेट से भी देखते हैं, कितना ठंडा है तो आप देख रहे होंगे, लेकिन अच्छा लग रहा है। रियल कहा जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में थोड़ा सा, क्योंकि दिन भर का क्लास का रहता है, उसके बाद थोड़ा मन किया कि बाहर निकला जाए। देखिए ये इको पार्क है, बहुत लोग तो देख ही रहे हैं। इको पार्क के गेट के बाद हम लोग फिर उसको देंगे। ये देखिए इको पार्क का गेट है जहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह है। हाँ यही देखिए इको पार्क है। और देखिए अब देखिए हम लोग हड़ताली मोड़ के तरफ से क्रॉस कर रहे हैं। ये सामने ऊपर में ब्रिज एक दिख रहा होगा, इसको कि अटल पथ है, ये काफी ज्यादा बड़ा देखिए दिख रहा होगा। अब देखिए लौटते लौटते थोड़ा सा हम आपको भगवान शिव जी का भी दर्शन कराते हुए चलते हैं, जिनका हम हमेशा एक्चुअली डीपी वगैरह लगाते हैं। आइए देखिए ये अंदर में शिव जी और माँ पार्वती का मूर्ति विराजमान है, और ये कितने अच्छे से लोग यहाँ पे इनको सजाते हैं, देख रहे हैं। ये मंदिर कहलाता है बोर्डिंग और चौराहा पे है। डिटेल देते हैं इस मंदिर का, ये मंदिर जो है बोर्डिंग और चौराहा पे है, ठीक है। अब देखिए ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है, बोर्डिंग और चौराहा मंदिर, शिव मंदिर।